वन में मालती हूँ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट टू बताने जा रही हूँ और पार्ट टू में हम ये ग्रो बैग में हम मिट्टी भरेंगे और मिट्टी भर के फिर हम प्लांट को ग्रो करेंगे। जो हमने कल आम के प्लांट ओपन किए थे पार्ट वन में, वो इसमें हम लगाएंगे। तो चलिए मैं मिट्टी का रेशो बताती हूँ आपको कि हमने 50% ये गार्डन सॉइल लिया है और 50% हमने इसमें लिया है वर्मी कंपोस्ट। तो हम इसको पूरा अब इसके अंदर भरेंगे और हमने कोई दूसरी चीज़ें नहीं भरी है, अभी इसमें डाली नहीं है, कुछ भी नहीं मिलाया है। तो हम इसको बैग को भरेंगे, ये बैग को इस तरह से बैग को हाफ भर लिया है मैंने, आधा भर लिया है। ये देखिए, अब आधा हम फिर आम लगाने के बाद इसमें जब हम प्लांट को रख देंगे उसके बाद हम लगाएंगे। इसी तरह से हम सारे बैग भर लेंगे जितने हमारे आम के पेड़ हैं उतने। तो इसी तरह से हमने 8 बैग हमको भरना है, हमारे 8 पेड़ है तो 8 बैग हमको भरना है। तो मैंने इसी तरह से 8 बैग पूरे भर लिए हैं, हाफ हाफ भर लिए हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये सारे बैग हमने भर लिए हैं, देखिए 8 पेड़ के 8 बैग हमने भर लिए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको रात भर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि मई का महीना है और आज से नवतपा चालू हो गया है। इसलिए हम अभी आम के पेड़ों को बाहर नहीं निकालेंगे, इसलिए हमने इनको वॉशरूम में ही रख के रखे हैं। अभी ये देखो आम को ढक के हमने वॉशरूम के अंदर रखा हुआ है। तो हम अभी इनमें पानी डालेंगे पूरे बैगों में और इनको गीला करेंगे रात भर के लिए, फिर कल हम इसमें प्लांटों को लगाएंगे। तो चलिए हम इसमें पानी डालते हैं। तो ये हम इसमें पानी डाल के रख देंगे मिट्टी में, ताकि रात में मिट्टी भी गल जाए और खाद थोड़ा ठंडा हो जाए हमारा। उसके बाद ये खाद ठंडा हो जाएगा, फिर कल हम इसको लगा देंगे। इतना पानी डालेंगे कि मिट्टी गीली हो जाए बस। तो चलिए गाइस, देखिए अब ये सब में हमने पानी डाल के रख दिया है पूरे बैग में। ये बैग कल तक ठंडे हो जाएंगे पूरे, फिर हम इसमें हमारे प्लांट ग्रो करेंगे, है ना। ये जो रखे हुए आम के पेड़, हम इनको इसमें प्लांटेशन करेंगे प्लांट का। तो आपको यदि प्लांटेशन का वीडियो चाहिए तो पार्ट 3 में आप कमेंट में पार्ट 3 के लिए कमेंट में पार्ट 3 लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड बाय।